सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। कुछ दिन खास होते हैं, कुछ हफ्ते खास होते हैं और कुछ महीने बहुत ज्यादा खास होते हैं। अगस्त वैसा ही एक मंथ है, बहुत ही स्पेशल मंथ। तो इस स्पेशल मंथ के एक स्पेशल संडे को स्वागत, वेलकम 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया। 15th August 1947 इंडिया आजाद होता है, हमें वो चीज मिल जाती है जिसके लिए हम करीब करीब 100 साल से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन ये दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि उसी दिन बहुत दूर बंगाल के एक छोटे से कस्बे में जन्म होता है उनका, जो आगे चलकर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस बनने वाली होती हैं, द वन एंड ओनली राखी गुलजार। और जब भी हम राखी गुलजार कहते हैं तो इसमें एक नाम गुलजार साहब का भी है, और ये भी बहुत बड़ा इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस, कि 15th अगस्त को राखी जी का बर्थडे और 18th अगस्त को यानी उसी हफ्ते गुलजार साहब का बर्थडे। तो पहले तो विशिंग बोथ ऑफ देम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। दोनों यंग रहें और मजबूत रहें, हंसते रहें। तो आज हमने डिसाइड किया है भावना जी कि हम दोनों की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा जानना, दोनों का अपना अपना सफ़र भी रहा है और दोनों के सफ़र साथ में मिल भी जाते हैं, कहीं ना कहीं मर्ज भी होते हैं। तो शुरुआत तो उम्र के हिसाब से भी मुझे लगता है गुलजार साहब से ही करनी चाहिए। तो गुलजार साहब का बचपन का नाम है संपूर्ण सिंह कारला, और उनका जन्म हुआ 1934 में झेलम डिस्ट्रिक्ट, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। उनकी माँ सुजान कौर और उनके पिताजी मक्खन सिंह कारला, वो दीना नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे पार्टीशन के पहले। पार्टीशन के बाद कारला फैमिली इंडिया आ गए, और राइटर बनने के पहले गुलजार साहब ने बहुत सारे छोटे छोटे काम किए थे घर में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जिनमें से एक काम था, एक कार गैराज में वो काम करते थे, जो गाड़ियाँ का एक्सीडेंट होता था उनके रंग बदलने का काम। तो कई बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जो पेंटिंग या जो ईजल पेंटिंग वो करते थे, इनकी शुरुआत शायद यहीं से हुई। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि शायद इतना समय उनके पास होता था गाड़ियों पर काम करते करते कि वो अपने कॉलीग से और अपने दोस्त जो आते जाते रहते थे उनको अपने कुछ शेर व शायरी भी सुनाते थे। ऐसा ही हुआ कि एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि पास ही में शूटिंग हो रही है बंगाल के डायरेक्टर की, तो तुम्हें ले चलता हूँ और हो सकता है तुम्हारा वहाँ कुछ काम हो जाए। वो उनको लेकर गए, शूटिंग थी वहाँ बिमल रॉय की। बिमल रॉय शूटिंग कर रहे थे बंदिनी की, ज़्यादातर गाने हो चुके थे, एक आधा गाना जो उनको वैष्णव कविता पर चाहिए था तो वो नहीं हुआ था। तो मुलाकात करवाई और बिमल दा ने देखा इनको और नाम पूछा, तो उन्होंने कहा कि गुलजार। तो बिमल दा को कुछ रस नहीं पड़ा उन पर, और कहा कि पता नहीं ये क्या समझेंगे कविता के बारे में। फिर उनका सही मानों में परिचय हुआ और उनको एक गाने की सिचुएशन दी गई। तो सलीलदा और बिमलदा सबके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था, एंड गुलजार साहब गॉट कंफ्यूज्ड और वो वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में जब वो घर जा रहे थे, वो आसमान में देख रहे थे, चांद को देख रहे थे, और इसी में उनका गाना बन गया मोरा गोरा अंगल लई रे। साल 1963 गुलजार साहब की एंट्री होती है, एक्सीडेंटल एंट्री कह सकते हैं, प्लान नहीं किया था, और वो बन जाते हैं गीतकार, हिंदी फिल्म से जुड़ जाते हैं। 1963 में गुलजार साहब की एंट्री होती है फिल्मों में, मोरा गोरा अंग ले ले बंदनी का गाना लिखा उन्होंने, और उसके बाद बिमल रॉय कैंप से जुड़ गए। इस टाइम पे भावना जी, राखी जी की जिंदगी में क्या हो रहा था? राखी जी यानी राखी मजुमदार, तो राखी जी के जो परिवार थे वो ईस्ट बंगाल से थे, और पार्टीशन के बाद वेस्ट बंगाल में आए थे। और वेस्ट बंगाल में आने के बाद उनके पिताजी का जो शू का कारोबार था वो अच्छा नहीं चल रहा था, और बहुत बड़ा परिवार था, तो राखी पर बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। तो स्कूल कहो या हाई स्कूल कहो, 63 के आसपास वो पढ़ तो रही थी मगर ज़्यादा कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं था। बहुत खूबसूरत थी तो बहुत छोटी उम्र में उनके लिए शादी का एक प्रस्ताव आ गया, अजय बिश्वास, जो फिल्म मेकर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे।
तो राखी के पिता मान गए और बहुत छोटी उम्र में राखी की शादी हो गई। जाहिर है कि छोटी उम्र में शादी हुई थी तो मिलन ठीक तरह से हुआ नहीं और 2 साल में शादी टूट गई। इसी दौरान राखी को बंगाली फिल्में मिल गई। पहली फिल्म राखी की थी बधुबारन और दूसरी थी बाघिनी और ये साल था 68। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि राखी जी मुंबई कैसे आती हैं और 2-2.5 साल के अंदर उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्हीं की जिंदगी में सब कुछ बदल रहा था, गुलजार साहब की जिंदगी में भी इसी दौरान बहुत सारे चेंजेस आने वाले थे। एक पीरियड आया भावना जी ऐसा 1971 से लेके 73 जब दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा था। गुलजार साहब ने एज अ लिरिसिस्ट नाम कमा लिया था। बंदनी के बाद उन्होंने खामोशी में गाना दिया, आशीर्वाद में गाना दिया, दोनों बहुत सक्सेसफुल फिल्में रही। इसके बाद 1971 में ही बिकेम अ फिल्म मेकर, फिल्म थी मेरे अपने और कोशिश और परिचय करीबन एक ही साथ में आई एंड प्लस देर वर मेनी अदर फिल्म्स इन द पाइपलाइन जैसे आंधी और खुशबू, ये सब साइनिंग्स चल रही थी। गुलजार साहब का अपना एक नाम था क्योंकि वो लिरिसिस्ट थे, फिल्म मेकर थे और डायलॉग्स भी लिखते थे। और राखी को कहा जाता है कि किसी ने देख लिया था बंगाली फिल्म में और राजश्री प्रोडक्शंस को रेकमेंड किया था और पहली फिल्म जो धर्मेंद्र के साथ थी ये तय हो गया था, फिल्म मेकर्स ने ये तय कर लिया था कि इतनी खूबसूरत है कि वो मेन स्ट्रीम की लीड एक्ट्रेस बनेगी क्योंकि भानु अथैया जो ड्रेस डिज़ाइनर थी वो सबके लिए कॉस्ट्यूम्स नहीं करती थी, बट शी हैड अग्रीड टू डू फॉर राखी इन जीवन मृत्यु और बहुत बेहतरीन कपड़े पहने थे राखी ने इस फिल्म में। इसके बाद राखी को एक डबल रोल की फिल्म मिली शर्मिली शशि कपूर के साथ जो उनके फेवरेट हीरो रहे और एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म की उन्होंने हेमा मालिनी के साथ लाल पत्थर। यस। तभी उन्होंने यश चोपड़ा जो बीआर कैंप से सेपरेट हुए थे उनके साथ दाग की और जिसमें उन्होंने चांदनी यश चोपड़ा की म्यूज बनी है वो और एक फिल्म उन्होंने यश चोपड़ा के साथ की जोशीला। राखी को गुलजार साहब के बारे में पता था, गुलजार साहब को राखी के बारे में पता था और कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हो ही जाती थी क्योंकि बहुत सारे बंगाली कनेक्शंस होते थे। तो एक बार गुलजार साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि उनका झुकाव हमेशा बंगाली कल्चर, बंगाली फूड, बंगाली खूबसूरती के लिए रहा है एंड परहैप्स दैट वाज अ रीज़न ही गॉट अट्रैक्टेड टू राखी एंड राखी वाज आल्सो अट्रैक्टेड टू गुलजार साहब। 71 to 73 ये दौर था फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ सारे पेयर्स और कपल्स वर सीरियसली इन्वॉल्व्ड। जया जी और अमित जी का भी रोमांस चल रहा था, यहाँ राखी गुलजार का भी रोमांस चल रहा था और 2-3 जोड़े थे, राजेश खन्ना और डिंपल, राजेश खन्ना और डिंपल की भी चर्चा हो रही थी और सभी ने करीबन एक ही साल में शादी कर ली और वो भी बहुत पूरी बंगाली रस्मों के साथ शादी हुई थी। एंड आई रिमेम्बर कि SD बर्मन साहब ने राखी जी का कन्यादान किया था। जी, बहुत ही खूबसूरत शादी, वैसे बहुत ही मुख्तलिफ पर्सनालिटीज रहे दोनों। शादी के बाद क्या हुआ दोनों की जिंदगी में ये जानना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। दोनों की गाड़ी चलनी शुरू हुई थी, सेकंड गियर पे आई थी, फिर रफ्तार पकड़ती है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। शादी के बाद तो हनीमून होता है तो थोड़ी देर के लिए तो हम ऐसे सोचते हैं कि शायद दोनों शेरो शायरी करते होंगे। शादी के पहले गुलजार साहब की एक कंडीशन थी कि राखी आगे चलकर फिल्मों में काम नहीं करेगी और राखी ने इस बात को मान लिया था। शादी के बाद उनकी 2 फिल्में आई, एक जो कमर्शियल हिट थी ब्लैकमेल जिसके बारे में उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई और दूसरी थी 27 डाउन जो क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी और क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई थी। गुलजार साहब इन द मीन टाइम वॉज अ वेरी वेरी बिजी एंड इन डिमांड फिल्म मेकर। वो अपनी 3 एम्बिशियस फिल्म के लिए साथ में काम कर रहे थे, आंधी, मौसम और खुशबू। अभी दोनों के बीच में क्या हुआ और क्यों ये शादी नहीं चली इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, ज़्यादातर जो गॉसिप मैगजीन्स में उस समय आती थी। सच तो सिर्फ वो दोनों बता सकते हैं,
तो मैं आपको सिर्फ वो कहानियां बता रही हूँ। अब कहानी ये भी कहती है कि यश चोपड़ा एक दिन राखी के घर पे चाय पीने के लिए आए और उन्होंने अपनी नई फिल्म का आइडिया राखी को सुनाया एंड राखी गॉट वेरी एक्साइटेड। तो यश चोपड़ा ने कहा कि आप ये रोल कर लो, वो फिल्म थी कभी कभी। कोई कहता है कि राखी ने फौरन हाँ कर दी फिल्म के लिए और गुलजार साहब से अभी तक बात नहीं की थी। वो सोच रही थी या सही मौके की तलाश में थी कि किस तरह से अपने पति से कहेगी कि उन्होंने ये फिल्म के लिए हाँ कर दी है। गुलजार साहब को बहुत धक्का लगा और दोनों के बीच में बड़े बड़े फैसले हो गए और इसके बाद दे सेपरेटेड। इन द मीन टाइम आई थिंक राखी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड मेघना वॉज बॉर्न और मेघना शायद एक या डेढ़ साल की थी जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब दोनों साथ में नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा फैसला था, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी। शादी के दो साल के अंदर ही इतना कुछ हो जाना। लेकिन जिंदगी की गाड़ी रुकती नहीं है, चलती रही। गुलजार साहब की भी गाड़ी चलती रही और राखी जी की गाड़ी भी चलती रही। अब गाड़ी कहाँ कहाँ गई ये जानना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। जानेंगे आज वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड बिग एफएम पर। मैं हूँ सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया। 75-76 के अराउंड दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, सेपरेट होने का फैसला कर लिया। लेकिन बावजूद इसके दोनों की गाड़ियाँ जो थी अपने अपने रास्ते पर चलती रहीं और बहुत तेजी के साथ चलती रहीं। भावना जी, नहीं, अलग हो जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप था, क्योंकि एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप उनका हमेशा रहा और बेटी की वजह से बातें भी होती थी। बेटी दोनों घरों में थी और गुलजार साहब की गाड़ी भी चल रही थी। ही वॉज़ अ सक्सेसफुल फिल्म मेकर, हर प्रकार की फिल्म बना रहे थे, जैसे बच्चों की फिल्म बनाई है किताब, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर थी किनारा उनकी, हिस्टोरिकल बनाई उन्होंने मीरा, कॉमेडी थी अंगूर जो इट्स अ ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर, और नमकीन थी जिसमें वहीदा रहमान बहुत लंबे अरसे के बाद वापस आई, और इजाज़त जो वंस अगेन अ लव ट्राइंगल थी। साथ ही में ही वॉज़ फ्लरिशिंग एज अ लिरिसिस्ट एंड ऑफन एज अ डायलॉग राइटर भी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी म्यूज़िक कंपोज़र है या सिंगर है जिनके साथ गुलजार साहब ने काम नहीं किया है। सभी एस डी बर्मन से लेकर आर डी बर्मन तक, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, जगजीत सिंह भी, और हर प्रकार का गाना लिखा है उन्होंने। राखी यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में वापस आई, साथ ही में उन्होंने एक फिल्म की जो ऑथर बैक रोल था जो थी तपस्या, जो उनकी अपनी ज़िंदगी से बहुत प्रेरित थी क्योंकि शी वॉज़ द केयर टेकर एंड द केयर गिवर ऑफ द एंटायर फैमिली। और बहुत सारी फिल्में उन्होंने यश चोपड़ा के साथ भी की और अमिताभ बच्चन के साथ भी की। उसमें से मैं कहूँगी कि 1978 एक ख़ास साल था जहाँ तीन फिल्में उनकी आती है और तीनों फिल्में सुपरहिट थी, कस्मे वादे, मुकद्दर का सिकंदर और त्रिशूल। और अमिताभ और राखी की जोड़ी भी बहुत स्पेशल रही क्योंकि दे ऑलवेज प्लेड वेरी कॉम्प्लेक्स लवर्स, नॉट द यूजुअल मंडेन रिलेशनशिप एंड अनरिक्विटेड लव, जो साथ में नहीं रहते हैं वगैरह वगैरह। इसी दौरान 1982 में राखी दो फिल्मों की शूटिंग साथ में कर रही थी, एक रिशिदा के साथ बेमिसाल जिसमें अमिताभ बच्चन उनके बिलावट है, और दूसरी रमेश सिप्पी की शक्ति जिसमें राखी उनकी माँ बनी है। मैंने राखी से पूछा था कि एक ही साल में आप दोनों फिल्में साथ में शूटिंग कर रही थी, आपने क्यों ये डिसीजन लिया कि आप माँ के रोल के लिए ट्रांजिशन करोगे। राखी का ये जवाब था कि शी हैड गॉट बोर्ड ऑफ प्लेइंग द सेम काइंड ऑफ रोल्स एंड शी वॉज लुकिंग फॉर मोर चैलेंज। और उन्होंने कहा था रमेश सिप्पी से कि कहीं भी कोई भी सीन में ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये एक रोमांटिक पैर रह चुकी है। इसलिए वो अमिताभ उनको बुलाते भी मॉम है, माँ नहीं पुकारते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी शक्ति फिल्म वॉज द बिगनिंग ऑफ अ ट्रांजिशन टू कैरेक्टर रोल्स। और उसके बाद तो हम मिड 80s देखें या 90s देखें, जो रुतबा 70s में निरुपा रॉय का था वो एक न्यू एज मॉम के तौर पे हमें राखी जी के कैरेक्टर्स में दिखाई देता है। ये भावना जी, हमने दोनों के फिल्मी करियर की तो बात कर ली, लेकिन एक कपल के तौर पे या दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ के तौर पे आपने दोनों को बहुत करीब से जाना और पहचाना है। राखी जी पहले रहती थी मुक्तांगन में, अपना एक बंगला था खार में,
आजकल उन्होंने गुलजार साहब के घर के आसपास एक बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया है ताकि वो घर आ जा सकती है। अभी दोनों साथ में है ऐसा भी कह सकते हैं और अलग है ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे गुलजार साहब कई बार कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं हैप्पीली सेपरेटेड हूँ, क्योंकि राखी जी आ जाती है, किचन में भी देख लेती है कि क्या सब सामान ठीक तरह से है या नहीं है। बोस की उनके बीच की कड़ी है, तो सबके जन्मदिन पर वो लोग सब साथ होते हैं। बोस्की के जन्मदिन पे, बोस्की के बेटे के जन्मदिन पर अभी भी वो लोग हॉलीडेज़ के लिए साथ में जाते हैं, और साथ ही में दोनों की अपनी अलग अलग जिंदगियां चल रही है। राखी फिल्मों में काम नहीं करती है, मगर पनवेल के अपने फार्म में रहती है, उनके अपने डॉग्स हैं वहाँ, और उनको वो फार्म से बहुत मोहब्बत है, पेड़ पौधे से मोहब्बत है, तो ज़्यादातर समय वहाँ गुजारती है और सारा अपना काम खुद करती है, अपना बैंकिंग खुद जाती है और अपने इनकम टैक्स के बारे में भी वो खुद ख्याल रखती है। गुलजार साहब की अपनी रूटीन है, वो सुबह टेनिस खेलने जाते हैं, फिर वो घर अपनी ऑफिस में बैठकर करीबन लंच के आगे तक वो लिखते हैं रोज़, फिर वो चाय वाय पीकर शाम को चलने जाते हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ, और रात को जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जिंदगी रही है, और ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी रही है, जैसे गुलजार साहब की कविताएं होती हैं, शायरी होती हैं, एक बार में समझ नहीं आती, लेकिन जब आप परतें खोलने लगती हैं तब आपको ज़्यादा समझ आती है और बहुत ही खूबसूरत कविता होकर निकलती है। मुझे लगता है कि इनका रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा ही है। नहीं, और एक चीज़ समझ में आती है और सीखने के लिए ये है कि जैसे ज़िंदगी गुजरे उसको अच्छी तरह से अपना लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई कड़वाहट नहीं है, और बेटी में कड़वाहट नहीं है, और यही मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी की खूबसूरत बात है। जैसे वो बार बार कहते हैं गुलजार साहब कि कुछ भी नहीं है कायम, बस जो कायम है वो मैं हूँ, मैं जो पल पल बदलता हूँ। क्या बात है। एक और जो गाना है उनका, वो उनकी ज़िंदगी को समराइज भी कर देता है कि जो गुजर जाती है बस उस पे गुजर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। एक बार फिर से विशिंग राखी जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। गुलजार साहब अब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यही हम सबकी दुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमैया, बिग एफएम पर।